डिप्रेशन अ साइलेंट किलर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है एंड इस नए एपिसोड में मेरे साथ यहाँ पे शामिल हो चुकी है हमारी एक लिसनर सो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस लिसनर से हम मिले थे मैं और विजय मिले थे एक प्रमोशन के दौरान टेन इयर्स ऑफ ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा में उस समय पर इनसे मुलाकात हुई एंड शी टोल अस अबाउट हर वर्क कि वो क्या करती है एंड uh, सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी विकासनी हाउ आर हाँ, हाँ, यू आई एम फाइन थैंक यू सेंडि जी एंड uh, विकासनी अपने बारे में पहले थोड़ा बताइए हमारे लिसनर्स को कि आप क्या करती है uh, मैं um, एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट बेका हूँ एंड आई वेक फॉर इमेज आउट हीरो विच इज़ वन ऑफ दी मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स इन न्यूजीलैंड और मैं एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी में काम करती हूँ जहाँ पर मैं मेल क्लाइंट से डील करती हूँ ओह oh, सो so आप स्पेसिफिकली मेल क्लाइंट्स के साथ ही डील करती हैं जी है। हाँ जिस सर्विस में मैं काम करती हूँ वहाँ पर सिर्फ मेल क्लाइंट्स ही करंटली हैं ओके जी एंड uh, आप स्टडी भी कर रही है इस समय पर जी हाँ आ, थोड़ी सी मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ uh, मैं फिजी से ही हूँ और मैं जब यहाँ 2012 में आई थी तो मैंने अपनी आ, पढ़ाई की डिप्लोमा इन हेल्थ केयर स्टडीज़ उसके बाद मैंने पहली अपनी जॉब की आ, जेनीवा हेल्थ केयर के साथ okay. वहाँ पर टू इयर्स मैंने काम किया फिर उसके बाद मैंने जॉइन किया डिसेबिलिटी सेक्टर आइडिया सर्विसेज mm -hmm. वहाँ पे मैंने वन ईयर तक काम किया फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा कुछ चैलेंजिंग चाहिए करना mm -hmm. तो मैंने इमेज आउट ईयर हुआ 2016 में जॉइन किया जहां पर मैं अभी तक उनके साथ काम कर रही हूं। लास्ट ईयर मैंने फ्रॉम ट्वेंटी जी तो नीली एट ईयर्स नीली हो गए हैं yeah, मेरे उनके yeah. साथ और मैं बहुत लाइक like करती हूँ hmm. ये अपनी जो अभी करंट काम कर रही हूँ और लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को थोड़ा सा अपस्किल भी करूँ hmm. तो मैंने जॉइन किया एम और करंटली मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ बैचलर ऑफ अप्लाइड सोशल वर्क की नाइस ओके साउंड्स गुड एंड आपके साथ आपकी फ्रेंड है यहाँ पे जो कि स्टडी कर रही है उनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी आप जी हाँ वो नेंसी नैन्सी भोपाली yes. हमारे साथ mm -hmm. और, एम स्टूडेंट हैं वो भी बैचलर ऑफ अप्लाइड सोशल वर्क सेकेंड इटूडेंट हैं और वो एक्चुअली uh, जो ये हम आज इशू पे बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन पे वो खुद एक लिव्ड एक्सपीरियंस है तो बाद में हम उनसे उस पर बात कर सकते हैं सो so, मी कि मेल मेंटल हेल्थ इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा डील करते हैं यू नो यूजली हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि फीमेल्स ना फ्रेंड्स के साथ भी बातें कर लेती यार मुझे ये सही नहीं लग रहा है मेरे साथ आज ये हुआ मेरे साथ आज ये हुआ वेंट आउट हम कर लेते हैं एंड हमें बोलने में भी ना कभी वो नहीं होता है कि यार ये हो गया मेरे साथ सो क्वाइट ओपन होती हैं चीज़ों के बारे में हम रो लेती हैं फ्रस्टेट हो जाती है वेंट आउट कर लेती हैं लेकिन जहाँ पे मेल्स के बारे में बातें आती है मेल्स का थोड़ा वो हो जाता है कि हम बात करेंगे तो यार हमारी इमेज का क्या होगा बोलेगा यार कैसा बंदा है तू मर्द बन जी तो, तो मर्द ही नहीं है हमारा वो डायलॉग्स बॉलीवुड में फेमस हुए पड़े ना मर्द को दर्द नहीं होता है सो <laughs> so आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन को लेके आते हैं इसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं अच्छा वो हमारे जब फैसिलिटी पे आते हैं उससे पहले उनका जो रेफरल होता है जीपी के साथ या साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ पहले तब वो सर्विस प्रोवाइडर्स हमको उनको रेफर करते हैं तब वो हमारे रेजिडेंशल फैसिलिटी पे आते हैं और उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं उनके क्लिनिकल टीम okay. जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं उनके मेंटल हेल्थ के प्रोग्रेस और रिकवरी के टुवर्ड्स तो जब वो आते हैं तो उनके जो जो एली मॉर्निंग साइंस होते हैं जो क्लाइंट्स हमारे आते हैं उनके रिस्क असेसमेंट प्लान्स होते हैं और वेल्बिंग प्लान्स होते हैं उनमें डिटेल में होता है कि जैसे कि क्या early, एक पर्टिकुलर जो क्लाइंट होता है और हर एक क्लाइंट डिफरेंट होता है उनके जो प्रेजेंटेशंस डिफ़रेंट होते हैं हर एक से क्योंकि इंडिविजुअल होते हैं वो तो एली वार्निंग साइंस मान लिया जाए जैसे रेगुलर जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ उनका होता है मतलब हमारे फैसिलिटी पे सुबह उठना फिर ये पर्सनल केस अटेंड करना और जो डेली रूटीन मतलब स्ली, स्लीप का भी उनका तो जब हम देखते हैं कि जो वो डेली रूटीन में जो वो जो उनकी इंटरेस्ट लूज होती जाती है लूज़ करते हैं फोकस अपना कॉन्सेंट्रेशन लो एनर्जी रहता है उनको जैसे कि कुछ मन नहीं करता उनको कि करें डिस्पाइट हम उनको सेवरल प्रोमटीन भी करते हैं चीज़ों को लेकर तो वो नहीं करना चाहते हैं और सेल्फ केयर जो अपनी पर्सनल हाइजीन है, है वो भी मैजा है वो निग्लेक्ट करते हैं तो हमको पता लगता है मूड में भी उनका जो प्रजेंटेशन है काफ़ी लो सा मूड होना अपने आप को आइसोलेट करना रूम में और ऐसे इंटरेक्ट नहीं करना स्टाफ के साथ तो okay. वो एली वार्निंग साइंस हमको उनको उनके बारे में पता चल ही जाता है क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं कुछ और भी है शायद अगर वो ड्रिंक करता है मैं कहती हूँ अगर करता है तो एक्सेसिव ड्रिंकिंग करने लगता है स्मोकिंग करता है तो एक्सेसिव हो रहा है स्लीप पैटर्न्स में उसकी डिस्टर्बेंस आ रही है और एपेटाइट जो खाना वगैरह भी नहीं अच्छे से खाते हैं कभी कभी इमोशनल कम्फर्ट के लिए ज़्यादा खाने भी लगते हैं और कभी कभी एकदम से नहीं भी खाना नहीं। तो ऐसे में जो उनकी वाइफ है या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके उनको थोड़ा सा ऐसे क्योंकि वो साथ रहते हैं तो उनको थोड़ा सा तो पता हो जाना चाहिए साइंस सिम्टम्स करने लगेंगे कि क्या हुआ है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम बीइंग एम्पेथेटिक अपने आप को उस जगह पे रख के देखें और पहले उनसे बात करें कि क्यों ऐसा हो रहा है बात करनी बहुत ज़रूरी होती है और जब वो एक्सप्रेस करेंगे वही जैसे आपने पहले बिगनिंग में कहा कि जो मेल होते हैं वो एक स्टिग्मा टाइप होता है कि वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं करते दो वो इमोशनल ट्रिगर्ड होते हैं इमोशन से वो भी गुजरते हैं इंसान है वो भी हमारी तरह लेकिन उनसे बात करें और पता लगाएं कि अगर वो कैसा फील कर रहे हैं अगर वो ओपनली एक्सप्रेस करते हैं तो उन उनके लिए हेल्प है आउटसाइड हेल्प है वो अपने जीपी के पास जा सकते हैं बता सकते हैं अपने बारे में और फिर वहाँ से उनको असेस करेंगे तो ही फिर बाद में पता चलेगा कि क्या ट्रीटमेंट प्लान्स वगैरह हो सकते हैं और hmm. किस स्टेज पे वो हैं okay. oh, उसमें स्टेजेस भी है जी हाँ ओके okay. जी क्योंकि लो जैसे मूड होता है हुँ. तो अगर वो पेशेंट ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ता है हुँ. तो फिर वो आ, आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्टेज है आ, और एलिवेट होते जाएगा फिर हुँ. अगर एकदम से वो ट्रीट नहीं करेंगे अपने फीलिंग्स को सप्रेस रखते हैं किसी से कुछ कहेंगे नहीं तो वो बाद में क्रॉनिक डिप्रेशन की तरफ मोड़ लेगा ओ, तो अगर आपने सही समय पर आपने एड्रेस नहीं किया है कि हाँ। ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो बढ़ सकती है जी हाँ। तो आगे जाके ये जो होते है हमारे बाय डिपेंड करता है कौन सा ट्रिगा था कि उस इमोशंस को लिफ्ट किया है आपके अंदर तो वो जब एक बार होता है शायद दो बार होगा थ्री फोर टाइम्स उसके डिफरेंट एपिसोड्स होते रहेंगे तो वो ट्रीट होना जरूरी है अगर नहीं होता है तो बाद में चल के अगर पेशेंट कंटिन्यूसली इसी स्टेज में रहेगा तो जी हाँ वो क्रॉनिक डिप्रेशन में जा सकता है तो so उसमें ये फैक्टर भी आता है कि अगर कोई इस चीज़ के थ्रू जा रहा है द एक हेल्प ऑफ जैसे अल्कोहल कंजम्पशन हो गई जी। या फिर कोई और जो साधन होते हैं उसका वो करते हैं या ड्रग्स वगैरह वो लेते हैं जिसमें वो अपने आप को थोड़ा रिलीफ फील करते हैं कि ठीक है वो थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं सो so, लेकिन वो टेम्प्रेरी सोल्यूशन है बिकॉज उनको प्रॉपर हेल्प नहीं मिली है तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है वहाँ पे बहुत काउंसलिंग की जरूरी है उन्हें तो वही जब अगर वो जीपी के पास जाए या हेल्प आउटसाइड हेल्प सीख करें या कोई एडवोकेसी जैसे हम कहते हैं एडवोकेट करें उनके बिहाफ पे उनको हेल्प दिलाएं तो ये जो अगर वो अल्कोहल इंटेक उनका ज्यादा हो रहा है ड्रग्स वगैरह में आगे हैं तो रिहेवस हैं और काउंसलिंग सर्विसेज हैं और फिर उनको रेफर कर किया जा सकता है साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास तो जहाँ से उनको ट्रीटमेंट प्लान्स मिल सकती है you know, बचपन तो kind of तो से सुनते आए थे तो हमारे दिमाग में ये सिनेरियो होता था कि यार पागल हो गया क्या बंदा कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है जी, ये हो गया कि उसको यहाँ पे जाना पड़ रहा है तो एक ना बहुत गलत जो कॉन्सेप्ट्स concept, थे हमारे दिमाग में ऐसे बिठाए हुए थे कि आप ये सर्विसेज में तभी जाते हो जब पर्सन तो ना ऐसे जा चुका है मेंटली खत्म ही हो चुका है ये एक स्टिग्मा ना हमारी सोसाइटी में बहुत डीप बैठा हुआ है एंड आई विल से स्पेसिफिकली मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा ये बैठा हुआ है तो इस सोसाइटी के स्टिग्मा को कैसे तोड़ना चाहिए उनको कैसे इस चीज को एड्रेस करना चाहिए कि भाई ये जरूरी है मेरे लिए जी, हाँ स्टिग्मा स्पेशली मेल के टूर्ड्स हमारे हैं जैसे कि आपने कहा कि हम फीमेल्स तो अपने बारे में बोल सकते हैं मेल yeah. का क्या है ये सोसाइटी का है कि जो हम कहते हैं कि मेल रो नहीं सकते हैं इमोशन्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है वो कर सकते हैं वो भी इंसानी हैं और हमको उनको उनको सुनना ज़रूरी है और ये बात भी है कि अगर किसी मइल को डिप्रेशन है भी वो इस्टेज इस से गुजर रहा है तो वो ये ना सोचे और सोसाइटी में जो हम रहते हैं वो उनको ये ना कहें और ये स्टिगमाइटाइज ना करें इस चीज़ को लेकर कि वो उनकी आइडेंटिटी बना दें hmm. डिप्रेशन ये हमारी कोई टैग नहीं होती है कि हमको डिप्रेशन है या उसको डिप्रेशन है yeah. ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है इस पे एजुकेशनल जो इंफॉर्मेशन और सोसाइटी को साथ में कोलेक्टिव आना बहुत जरूरी है और अंडरस्टैंड करना कि ये एक स्टिग्मा नहीं इसको हमको ब्रेक करना है और फैमिली का इसमें बहुत बड़ा हाथ है जी हाँ। आपकी लाइफ में अगर पार्टनर है आपकी लाइफ में बच्चे हैं या मदर है कोई है उनका बहुत बड़ा हाथ है जी हाँ एंड अगर मैं ना एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ एक सिनेरियो है मेरे पास जहाँ पे आपकी फैमिली में देर इज अ मेल जी जिसके आपको पता है कि वार्निंग साइंस है जी। इस पर्सन में जी। उसको ये प्रॉब्लम है डिप्रेशन की उसको प्रॉब्लम है लेकिन उस पर्सन को इजिली हेल्प सीख नहीं करनी है जी। आप उसको कैसे उस राह पे लेके जा सकते हैं आप उसको कैसे समझा सकते हैं बिकॉज कई बार क्या होता है कि फाइन लाइन ईगो के बीच में जी फीमेल्स uh, का एक ये भी पंखा हो जाता है जब वो मेल्स को समझाती है तो कहीं ईगो हर्ट ना हो जाए कि भाई जी, वो ना हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उनको कैसे हम समझा सकते हैं कि ये राइट right पाथ है जी, ये आपको करना चाहिए हाँ जी तो वही है कि कम्युनिकेशन बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उसकी बातें सुनना और पहली बात ये भी है कि जो पैसेंट से हम बात करना चाह रहे हैं तो वो उसकी तरफ से हमारे टू उसका ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है hmm. ये ना हो कि अगर किसी ने मुझसे कुछ शेयर किया है तो मैं जाकर किसी और से उसके बारे में बताऊँ yeah, तो ब्रीच yeah. करना भी बहुत बड़ी चीज़ है hmm. कि वो पैसन की ट्रस्ट होनी अगर वंस वो ट्रस्ट अगर वो पैसन आपके ऊपर बिल्ड करता है तो आई एम श्योर वो ओपनली आपको एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को बताएगा और अगर वो वंस आपको बताता है हमको बताता है तो हम उससे बात करके उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं hmm. कि लुक यू नीड टू हेल्प टेक हेल्प ऑन दिस इस लिए तभी आप आगे मूव फोर्ट कर सकते हैं Okay. जी, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रस्ट इज दियर जी एंड हाँ. अगर आपसे आप बात शेयर भी की है तो कल को बात भी नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं की बता रहे हो नहीं, नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए या। वो बहुत एक आ, मैं जिसको कहती हूँ क्योंकि मेल जो हम जानते हैं वो ऐसे किसी से ओपनली अपने बारे में एक्सप्रेस तो बिल्कुल नहीं करेंगे किसी स्ट्रेंजर से तो बिल्कुल नहीं करेंगे और जब वो ट्रस्ट आपको करेंगे तो आप भी उतना ही उनको Unki jo confidentiality. Usko rakho. Usko se hmm. Sounds yeah. good. And uh, we have with us Nancy. Hi Nancy, how are you? Hi, um, very good, thank you. And Nancy, uh, we got to know about you that you came out of depression. Um, so um, I've been married for, um, I would say, over 14 years. Mm -hmm. um, and um it's almost 2 years now i separate from my um now my ex husband mm -hmm. um we haven't finalized anything yet like about the divorce and all that but yeah i just you know feel like it's time to move on and mm -hmm. come out of that you know that shadow that i was living for a long time Hmm. Yeah. So, did you approach someone when you realized that yeah, this is something you're facing in your personal life in regarding the mental health, or uh, what happened? Um, no, because I'm I grew up in a um, a very you know pacifica you know family hmm. because I come from Samoan and you know when you um, once you got married, um, your parents apparently don't have anything to do with your marriage so it's just between you and your husband you mm. know so um, everything i do i didn't reach out to anyone but um, not, that doesn't mean my family and his family are not aware of the situation mm. so they all knew what's going on um, in my environment mm. but um, because i didn't speak up for myself. So they kind of like stay away of my business, you mm. know? And I didn't get that um that that help from anyone else. Like, you know, they didn't want to talk to me about it. Like so they knew exactly what's going on. But because um I don't know. Mm. I didn't know what what was happening but I never um once hear from anyone, do you need help? know what's going on. Like, talk to me about. But because um, I was so scared of my ex husband, that's why I was leaving up with him for so many years. And because of our children. Okay. Yeah. So you yourself seeked help. You yes, yourself searched about it. I seek help. So we move to Australia for um. I think it was two thousand and fourteen. Okay. Then we moved to Australia. I feel like you know because he was um, an alcoholic person, mm -hmm. so that's why I wanted to take him to Australia. That was my you know my plan, hmm. you know, just to move out of New Zealand because New Zealand is small and the alcoholic it's like number one thing that you know that can destroy the family hmm. because every weekend he will go out drink and mm. he will come home like probably Monday or even Sunday. Mm. But yeah. And that's why we move away from from New Zealand. And you know, but for me, you can't change a person. Yeah. If that's what who they are and if they don't wanna change, there's nothing you can do. You mm. know? As much as I wanted to help him and I wanted him to change for the um the best of our family but at the end of the day it all comes down to him. Yeah. If, you wanna if change, he himself yeah. wants to change, then yeah. only you can do something about yeah. it. You can add the help over there though. Mm. Yes. Yeah. Like I I can help him. And mm. that's why I stay for him. Like mm. I stay, you know, that long with him. And I I was thinking of myself, like, you know, but I didn't even know I was in depression. Mm -hmm. You know, the whole time. It was um, piling up yeah <laughs> and then um, maybe it just got to the point that i had enough mm. like you know because i was i was in a, a piece of you know um, marriage mm -hmm. and then it got to the point i was so ugly you know i had my kids my kids are all growing up mm. and, um, and i don't want them to see what was going on you mm. know in in our little family so and then i just Get my kids and move back to New Zealand. Okay. And that's why I'm here. And um, last year I started um, MIT mm -hmm. because I have a background of um, educator okay. with the kids. But then um, when I moved back, I decided to do something different. Mm. Um, and it's all because of what I've experienced and what I've been through. And I wanted to. Um, tell the women you know. There's heaps of women out there that you know they are suffer and mm. and they they don't want to speak up because they feel like they they don't deserve you know love. They don't deserve more than what than where they are at the moment. I think it is a cycle as well, which we call it's abusive cycle as well. Mm. You do not realize it that you are in that cycle, yes. and you're not able to get out of it. Mm. No, so. you can. Yeah. You can you can Honestly, get yeah. You if can. I can get out now. Yeah. I'm pretty sure you can you can get out. Wow, good yeah. on you. Yeah. And the culture you spoke about in Samoa, you have a culture that when you are married, it's your life and everything. It's very mm. similar to Indian culture as well. Like we can say Southeast Asia mm. culture as yeah. well. Mm. So even, even this community in this segment, it is like this. Mm. And it's very similar. So uh, so the, often the women think that okay this is the end of my life mm. i have yeah. to deal with this myself there's nothing yeah. i can do yes. and um, and sometimes um, people kind of like twist the marriage you know hmm. uh, um, especially men when you have that mentality that you are the head of the family hmm. then you know I, I don't think it's ever going to work up in any any marriage yeah you know because marriage is a 50-50 thing it there is. is no head there is no you know your wife can be little and your, you know it has to be a 50-50 work you mm. know in your family um there's a pipe you know because honestly when i when i move away from god that that is my main you know um source of mm. um encouragement um right now is god Mm. when you have god you have everything mm. honestly when you have god you can do anything and um and i encourage you know a lot of people you know um there's always someone there that loves you no matter what yeah you know it doesn't matter if your family don't love you because mm. i heard that a lot from so many people you know but honestly there's always the man above <laughs> yeah you can start your life at any point, yeah considering you are alive, you're mm. working, so yeah you can start your life, yes, yeah, and you can do it yeah it's either you're single parent, you can do it i it's almost two years now, mm -hmm. and it's just me and my kids I've mm -hmm. got seven beautiful kids, wow so yeah, and i I met sister we and we became yeah. like sister soul sisters <laughs> yeah and um MIT so yeah it's it's a really really good relationship you know um and but, it is working well for you yeah your decision mm, it, is, it is working well and um I I want it to be a good co-parents as much as i don't want anything to do with them mm -hmm. but at the end of the day we are both parents you know to our kids so um i just want you know this person to understand that we can work together hmm. you know to raise our kids and there's hmm. nothing wrong with that yeah because sometimes you hear people talk about you like you know um how come you know she's single with so many kids where's the dad you know at don't don't worry about what people think of you don't worry about what they're people not living your life you. no, yeah. no, no. they're not paying uh, your bills yeah. <laughs> as long as you are happy your kids are happy you can have food on the table yeah. and you have god that loves you that's yeah. all it that matters honestly good on you you took yeah. a very brave <laughs> step i will say seeking help is itself a very brave word so, help is actually a very brave word. Yes. So, you did that. You did for yourself. You did yes. for your kids. So, good on you. Yes. And uh, with this also, Vikashni, I have a question for you. Like how Nancy shared about her husband. Yes. Like, uh, he was alcoholic. Uh, they tried to change the country as well. Yes. If different country works for him or not. Yes. So, when there is a person in your family, uh, in some families, there may be a female. Some families might have a male who is alcoholic. Mm -hmm. And is there any rehab in New Zealand who can address the alcoholic situations as well? जी हाँ यहाँ पे जो रिहेब प्रोग्राम्स होते हैं अल्कोहल ड्रग काउंसलिंग होती है हुँ। तो हुँ। उनके पास उनको रेफर किया जाता है okay. तो वहाँ से उनको ट्रीटमेंट्स वगैरह जो आगे चल के उनका जो प्रोग्रेस है रिकवरी वहाँ से होती है सो so आपके है। पास अगर कोई क्लाइंट आता है उसकी काउंसलिंग हो रही है एंड आपको लगता है कि आगे रेफर किया जाना चाहिए फॉर रिहेब और समथिंग लाइक यू कैन डू दिस जी हाँ हम एडवोकेट करते हैं एडवोकेट करते हैं क्लिनिकल टीम के साथ मिलकर हुँ। जी, हुँ। जी हुँ। बिल्कुल nice. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपने जो रिकवरी जेनी है और उसकी अच्छे से हो और ट्रीटमेंट्स उनको मिले जो चीज के लिए मतलब वो अफेक्टेड हैं जिस चीज से एंड अगर अपने कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहेंगे Uh, जी हाँ इमेज एक मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर है जैसे और भी कंपनीज हैं और हम रेसिडेंशियल uh, फैसिलिटीज हमारे होते हैं लेवल फोर होते हैं तो लेवल फोर में क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हाई केसेस होते हैं क्लाइंट्स के लेवल थ्री जिसमें मैं काम करती हूँ वो थोड़े ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंस इस तरह से वो होते हैं कि फिर बाद में चल को वो कम्युनिटी में इंटेग्रेट करते हैं ओके okay. जी और इमेज ऑल्सो प्रोवाइड करती है हाउसिंग mm -hmm. उसमें भी हमारा जो है स्टाफ काम करते हैं और लेम्बी ड्राइव में हमारा हेड ऑफिस है करंटली और वैकेंसीज वगैरह हमेशा वेबसाइट पे भी रहते हैं और एम्प्लॉय okay. तो अभी जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है देर इज अ मेल आउट देयर या फीमेल आउट देयर जिसको हेल्प चाहिए तो उनको अपने जीपी के थ्रू आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा आ, आएस, या डायरेक्टली नहीं वो अपने पहले जीपी के पास जाएं तो वो ही उनको पहले असिस्ट करेंगे तभी वो रेफा करते हैं उनको तो The... अगर उनको ये बोलना है कि मुझे रेफरेंस में यहाँ पे जाना है जैसे आपकी कंपनी के पास जाना है ऐसा वो अपने जीपी को बोल सकते हैं कि uh, जीपी खुद रेफर करेंगे नहीं जीपी रेफर करेंगे पहले उनके ट्रीटमेंट के लिए ओके। okay. तो डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट उनको चाहिए किस hmm. लेवल पर वो हैं पहले हम्म hmm. तब तो फिर उनको जैसे काउंसलिंग है ना असेसमेंट होगी पहले वो हाँ, तब hmm. वो वहां से फिर रेफरल आता है ओके साउंड्स गुड थैंक यू सो मच विकासनी एंड एनसी फॉर बीइंग हियर एंड इट वॉज़ ग्रेट लाइक बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके यहाँ पे एंड द इंफॉर्मेशन यू गैज शेयर्ड थैंक यू सो मच फॉर दिस हाँ थैंक यू सेंडी जी uh, हमको ये प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए आज यहाँ कि आपसे हम थोड़ी सी बात कर सकें और लिस को थोड़ी सी बातें उनके साथ भी शेयर कर सकें और आपके हम एफ एम टीम को भी हम बहुत स्पेशल थैंक यू कहना चाह रहे हैं कि आपने ये जो कैंपेन जो अवेयरनेस डिप्रेशन के बारे में चलाया हुँ. है ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे सोसाइटी के लिए और जहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी नॉलेज और हो सकती है और एक मैसेज सभी के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ लास्ट में कि अपना जो सेल्फ केयर होता है हमारा सेल्फ़ केयर जैसे कि अपने डाइट पे ध्यान देना अपने स्लीप हाइजीन को ठीक मेंटेन रखना okay. रखें उसके ऊपर और जो फिज़िकल एक्सरसाइज होती है हमारी उस पर भी अपना टाइम निकालें हमारे पास 24 फोर आवर्स होते हैं हम जानते हैं बहुत बिजी वेक लाइफ बैलेंस फैमिली ये लेकिन टाइम निकलना चाहिए जी हाँ 24 फोर <laughs> आवर्स में से अगर एट आवर्स आप काम भी कर रहे हैं वन आवर टू आवर्स ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं लेकिन वन आवर एटलीस्ट निकालें अगर वन आवर नहीं तो हाफ़ एन आवर तक निकालिए कुछ योगा कीजिए मेडिटेशन कीजिए बाहर थोड़े से वॉक करके आ जाइए वो मूड आपका लिफ्ट जरूर करेगा hmm. और ये जो छोटी छोटी चेंजेस जो आप करेंगे अपने लिए वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए और सभी चीज़ों के लिए क्योंकि जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हमारी दोनों दौ साइड बाय साइड दो दे टूगेदर क्योंकि अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो hmm. काम भी दिन में नहीं कर पा सकते हैं तो प्रायोरिटाइज hmm. uh, कीजिए अपना सेल्फ केयर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक्सट्रीमली okay. इम्पोर्टेंट hmm. हमारे हमारे लिए hmm. और अगर कोई भी पैसें जिसको ये सिम्टम्स हो रहे हैं लो मूड फील कर रहे हैं थोड़े से लोनली भी हैं सैड फील कर रहे हैं और ये कंटिन्यूस ऐसे टू वीक्स उससे ज़्यादा भी जा रहा है hmm. तो आप ज़रूर से अपने जीपी के पास जाइए hmm. या किसी से बात कीजिए जो आपके बिहाफ पे आप के लिए एडवोकेट कर सके और हेल्प सीख कीजिए आगे चल के ताकि आप अच्छे से रह सकें और ये मत समझिए कि ये एक स्टिग्मा हो गया है hmm. क्योंकि किसी ना किसी समय हम सभी इस चीज से गुजरेंगे hmm. और ये कोई आइडेंटिटी हमारी लास्ट में बनती नहीं है Hmm, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला एंड एक बात ये भी होती है कि जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आप अपने साथ अपनी पूरी फैमिली की लाइफ खराब कर रहे हैं लाइक वी हर्ड अबाउट नैन्सी इफ द इशू इज नॉट एड्रेस्ड योर आर योर फैमिली लाइफ एज वेल योर रीनिंग एवरी थिंग बेसिकली सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू बट योर लव्ड वंस एज वेल और सबसे बड़ी बात है सैंडी जी इसमें एक और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आपको डिप्रेशन है hmm. या कोई भी इश्यूज ऐसा कुछ रिलेटेड है एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है hmm. खुद से hmm. कि एक्सेप्ट करना कि hmm. हाँ आई एम फीलिंग दैट एंड इट इज ओके टू फील दैट दैट इट इज ओके टू फील वाई रोज क्योंकि हमारा हर रोज डिफरेंट होता है हमारे जो इमोशंस होते हैं कभी कभी कुछ बातें भी एक्शंस भी होती हैं हमारे अराउंड जो ट्रिगर कर देती हैं हमारे इवोक करती हैं स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स तो ये ज़रूरी होता है कि हम एक्सेप्ट करें कि हमें इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने फीलिंग्स को सप्रेस करते चले जाएंगे तो फिर वो तो डायग्नोज जब बाद में अगर होगा क्रोनिक स्टेज पे तो ये तो अनट्रीटेड हो गया यहाँ फर्स्ट स्टेज से yeah. hmm. जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं hmm. तो तो ही आगे चल के फोर्ड करके मूव करके हम ट्रीटमेंट प्लान्स पे आ सकते हैं थैंक विकास ने एंड आपकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर पॉडकास्ट में शेयर कर देंगे कैप्शन में जस्ट इन केस आपकी कंपनी को किसी को कांटेक्ट करना है तो जी हाँ जरूर hmm. से और थैंक यू वंस अगेन लिसनर्स को भी थैंक यू और आज हम यहाँ पे आपके साथ हैं thank you thank you nancy thank you so much Um, you just want to touch base too because yeah. actually, you know sometimes it's your pride mm -hmm. you, know, you, you gotta leave your pride down and you know and ask for help just, yeah. you know seek help it's it's not a bad thing and you know and just accept who you are you mm. know. Yeah, because that's what happened to me. Like you know, it was my pride that keeps me, you know, not asking for help because mm. I thought all along that I can do it on my own. You know, but no, I can't do it on my own. And um, and look at me now. <laughs> Different. <laughs> I'm the <Yeah>. happiest woman <laughs> on earth. Wow, but it's to a good day. Listen this. out there, you know, yeah. just don't be afraid to seek out to ask for help. You know, that that help you asking from someone. It means it can save you know someone. It can save your life mm. as well. Yeah, because you know, of course, depression a silent killer. Mm. You don't even know you're in it, but you you know, but it can drain you. And then at the end of the day, it's not gonna do any good to you. It's gonna harm yourself. Mm. Yeah. And, thank, uh, yeah, you. thank you so much for having us yeah. thank it was you. a lovely and a good experience for us as well <laughs> <laughs> and, uh, definitely depression is silent killer depression hai, ya, mental illness ya koi bhi symptoms aise se hum guzarte hain hmm. definitely a very unpleasant experience hai hmm. wo pleasant nahi hota yeah. Yeah. Thank, you, thank, you, thank you thank you nancy thank yeah. you